होते हुए भी उन लोगों ने दूसरी शादी कर ली, मेरे साथ मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया। बहुत ही गंदा टाइम जो आज मेरी बच्ची है 12 साल की, मैं 10 साल से इस सफर को कर रही हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ जीने के लिए एनएम की, मैंने खुद ने अपनी सेल्फ स्टडी की कि जिससे कि मैं खुद कुछ कर सकूं, अपनी बच्ची को पाल सकूं, उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। पुष्पा है, मैं जयपुर ग्रामीण और जमा रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लिकेट रही है, इतना कि मैं आपको बताने के लिए शब्द तो मेरे पास नहीं है, बट कहने के लिए हिम्मत भी नहीं हो रही है सर। देखिए देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, आप जब तक अपनी पीड़ा नहीं बताएंगी तब तक सरकार को शायद आपकी पीड़ा के बारे में पता नहीं होगा। एक्चुअली मेरे यहाँ ना बहुत कम एज में शादी हो गई थी और मैं उसी टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी। पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी थी शादी के टाइम पे, मैं 9th पास थी और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन मेरे ससुराल वालों का व्यवहार 1% भी अच्छा नहीं रहा, मेरे होते हुए भी उन लोगों ने दूसरी शादी कर ली, मेरे साथ मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बच्ची को लेके मैं कैसे कैसे ये सफ़र किया है मैंने, मेरी लाइफ का बहुत ही गंदा टाइम जो आज मेरी बच्ची है 12 साल की, मैं 10 साल से इस सफ़र को कर रही हूँ। मैं अपनी बच्ची को एक पिता और माँ का प्यार दे रही हूँ, उसको मैंने कैसे कैसे पाला है जो मैं सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ जीने के लिए एनएम की, मैंने खुद ने अपनी सेल्फ स्टडी की कि जिससे कि मैं खुद कुछ कर सकूँ, अपनी बच्ची को पाल सकूँ, उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूँ। उम्मीद थी कि वो भी मेरे पास नहीं रहेगी, तो अगर मुझे ये पोस्टिंग नहीं मिलती ना तो शायद मेरे पास जीने के लिए बहुत कम रहेगी। बिल्कुल आपकी हमारी हमदर्दी जो है आपके साथ लगातार बनी हुई है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका दर्द है वो सरकार अब सुनेगी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि सरकार। एक दिन की लाइफ नहीं, हम बहुत लंबी जी रही हूँ, मैं कह नहीं पाती हूँ इतने लोगों के सामने, लेकिन सच में रियल में बहुत दुखी है यहाँ। मैं नहीं, मेरे से ज़्यादा शायद और लड़कियाँ भी दुखी होगी, मैं नहीं, क्योंकि मेरा दुख बहुत ज़्यादा है, मेरा तो बहुत कम होगा उनकी तुलना अगर मैं अपने दुख से करूँ तो। लेकिन सब दुख से ही यहाँ पड़े हैं, सब अपने परिवार को छोड़कर, मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल मेरा दुख उनसे ज़्यादा होगा, शायद वो मेरे से ज़्यादा दुखी होगी। लेकिन बट बात ये है कि अगर सरकार से मैंने केस भी लड़ा, 10 साल तक मैं कोर्टों में केस करती रही, आज मेरी पूरी लाइफ ख़त्म है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना खोने के लिए ना पाने के लिए, सिर्फ एक उम्मीद है कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाए तो मैं अपनी एक बच्ची का अच्छा भविष्य बना सकूँ, जिससे कि मैं अपनी एक लाइफ जी सकूँ। कोई मैंने दूसरी शादी नहीं की अभी तक, मैं सिर्फ सिंगल हूँ, सिंगल मदर हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से मैं ये निवेदन करती हूँ कि हमने भजनलाल सरकार बीजेपी को वोट देके समर्थन किया है, तो वो सिर्फ ये रेस्पेक्ट है कि वो हमें नियुक्ति दे, जल्दी से जल्दी दे। ये सब लोग भी बहुत दुखी, मैं दुखी हूँ, मेरे से ज़्यादा ये लोग होंगे यहाँ रहते हैं, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपको पता है एक व्यक्ति एक टाइम का खाना खा के कैसे रहता होगा, ये कैसे रहते होंगे। जब मैं तो घर चली जाती हूँ, लेकिन मैं जब घर जाके सोचती हूँ इनके बारे में तो मुझे इतना दर्द होता है कि पूरी रात नींद नहीं आती है। मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, बट मैं इनके बारे में सोचती हूँ कि वो कैसे सोते होंगे इस रात में। हम दो दो रजाई ओढ़ के सोते हैं तो हमें नींद आती होगी, लेकिन ये एक एक कंबल में ये लोग कैसे सोते होंगे यहाँ पर। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इनकी कोई हेल्प नहीं करी, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने 1 रुपये भी नहीं डाला, क्योंकि मैं खुद नहीं कमाती हूँ, मैं कहाँ से दूँगी। मैं मेरा खुद का खर्चा, मेरी बेटी फ्री पढ़ रही है KVS में, मैं अपना खुद का खर्चा ही कर लूँ वही काफ़ी है मेरे लिए। तो रियल मैंने तो कुछ नहीं दिया, और मैं चाहती हूँ सरकार से जल्दी इन सबको नियुक्ति दे दे, तो ये बेचारे सब अपने अपने घर जाए और खुशी के साथ जाए बस।